के मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेने सीहोर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरिफ अकील ने कहा है कि हर कार्यकर्ता अपने को दिग्विजय सिंह समझकर पार्टी का कार्य करे। मीडिया से चर्चा के दौरान आरिफ अकील ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आरिफ अकील ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वालों को दांव पर लगा रही है। हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह की तरफ से ऐलान करें, नहीं हरा पाए तो 10 साल तक संन्यास ले लूंगा। उम्मीदवार को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी लाकर खड़ा कर दे तो दिग्विजय सिंह भारी मतों से जीतेंगे। आरिफ अकील का कहना है कि दिग्विजय सिंह से बड़ा हिंदू नेता बीजेपी में नहीं है, अगर है तो बताओ जिसने नर्मदा परिक्रमा की हो। ये कहने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं। अपनी भूमिका को लेकर आरिफ अकील ने कहा है कि मेरी जान भी चली जाए तो भी दिग्विजय सिंह को जिताऊंगा। मेरा कहना ये है कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा हिंदू अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने नर्मदा परिक्रमा पैदल की हो तो उसका नाम बताओ। ये कहने वाले हैं, हम करने वाले हैं। जब हम मुख्यमंत्री थे तभी धार्मिक स्थानों पर जाकर बाबा परिक्रमा करते थे और उनके राज में धर्म में काम करने वालों में कोई कमी नहीं थी। जो व्यवस्था उन्होंने की है सब धर्म संभव की, उसमें वो हिंदुओं में भी बहुत विश्वसनीय है, मुसलमानों में भी है। और मेरा ख्याल से मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना पड़ेगा कि वो क्या करें, क्योंकि माननीय दिग्विजय सिंह जी एक एक बूथ के एक एक कार्यकर्ता को बाई नेम जानते हैं और उसको बुलाकर अच्छे तरह से। आरिफ अकील जी की क्या भूमिका होगी दिग्विजय सिंह जी? मेरी जान भी जाएगी तो भी दिग्विजय सिंह को चिताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी वालों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा, एक मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाले को दाव में लगा रहा है। उससे मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत हो तो ऐसा ऐलान करो कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं 10 साल तक का संन्यास ले लूँगा, 10 साल तक कोई पद नहीं लूँगा। हिम्मत हो तो ऐलान करो, अगर दिग्विजय सिंह को हरा नहीं पाया तो 10 साल तक संन्यास ले लूँगा, 10 साल तक कोई पद नहीं लूँगा। आप क्या समझते हैं बीजेपी कैसे कैंडिडेट देगी दिग्विजय सिंह? बीजेपी नरेंद्र मोदी को या अमित शाह जी को भी ला के खड़ा कर दे तो इंशाल्लाह दिग्विजय सिंह जी भारी मुझे।